नमस्कार, आपका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। AIIMIM के प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार वो उत्तर प्रदेश वाले चुनाव में 403 में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी रैलियों के संबोधन के दौरान बीजेपी, सपा और बसपा पर हमला भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन पार्टियों ने केवल मुसलमानों का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए किया है। AIIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे पर है, जहां वो अलग अलग जगह जाकर वोट बांटने की राजनीति कर रहे हैं। यहां तक कि उनका ये दौरा पहले ही विवादों में आ गया था। उन्होंने अयोध्या जाने से पहले ही कह दिया था कि वो फैजाबाद दौरे पर जा रहे हैं। यूपी का चुनावी शोर चारों ओर है, तो ओवैसी ने भी अपना चुनावी पड़ाव आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या को अपना अगला दांव बनाया है। यहां तक कि पिछले कल ओवैसी ने चुनावी मंच पर जाकर योगी सरकार को घेरा, लेकिन साथ ही मुसलमानों को भी वो याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा नेता मैं हूं, कोई और नहीं। और अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए उनके वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की जोर तोड़ कोशिश की और बात सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की हुई। मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घर दिया है, घर दिया है। मैंने पार्लियामेंट में सवाल किया, अखिलेश भैया तो सवाल नहीं करते थे, उनको मालूम कि लोग कहां जाएंगे हमको छोड़कर। वो तो हमको भैंस समझते कि दूध निथार 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 के हमको खुद ही पी लिए। हमने सवाल किया था कि बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मिले, तो कहा गया 2017-18 में मोदी की सरकार ने 7,65,000 घर दिए। कितने दिए? 7,65,000 घर दिए। और आपको मालूम मुसलमानों को कितने मिले? मिले 10। 7,65,000 में 10 घर मुसलमानों को मिले। और बाबा और मोदी कहते सबका साथ सबका विश्वास। अपने ही अंदाज में ओवैसी ने चुनाव को हिंदू मुसलमान का रूप देना शुरू कर दिया है। अब जो बातें उन्होंने मन से की उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान ही सुनाई पड़ रहा था। अब इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे, क्या तुमने कभी सुना कि हमारे हिंदू भाइयों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड हो गया इसलिए मैं हार गया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारे दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई? आपने सुना? इनकी क्या मजाल के मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी? क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूल अल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार और इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई। और ओवैसी के भाषणों पर पब्लिक तो मन से ओवैसी के ये भाषण वोट बैंक के लिए काफी है। ओवैसी ने अपने भाषणों में कहा कि सपा बसपा को हराना है, मुस्लिम वोट सिर्फ हमारा है। इस वोट बैंक की चाहत में ओवैसी को अतीक अहमद भी पसंद है और आजम खान भी। इनके खिलाफ जो केस दर्ज है उसे भी ओवैसी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हुए नजर आए। किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। AIIMIM
के प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, धर्म निरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को कुछ नहीं मिला है। ऐसे बयानों से वो मुसलमानों के वोट अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धर्म निरपेक्ष भारत में धर्म के नाम की राजनीति आज की बात नहीं है। इस मुद्दे पर बाकी पक्ष जो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मुसलमान वोटों पर आधारित हैं, उनके लिए ओवैसी के ये बयान बेशक चिंता का विषय है। रैली के दौरान वो बड़ी तादाद को अपनी बातों से प्रभावित करने में सक्षम दिखे। अपने राजनीतिक पहलुओं को साधने के लिए ओवैसी का ये वार 2022 के चुनाव में कितना कारगर रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।